दोस्तों, इस समय तो बहुत स्थिति ख़राब है। लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। कोविड वायरस से लोग संघर्ष कर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अपनी ज़िंदगी में लोग बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। मेरे खुद के रिश्तेदार भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इसी परेशानी को थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए मैंने कविता लिखी है, और उस कविता के माध्यम से मैं कोरोना के जो लोग परेशान हैं उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई देना चाहता हूँ, उनको उत्साह लाना चाहता हूँ कि वो परेशान न रहें। एक अच्छी घड़ी आएगी जिसके हम लोग सब साक्षी होंगे और जिसमें हम अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और नए वीडियो देखने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। तो डेंटिस्ट डॉक्टर प्रवीण में आपका स्वागत करता है। डॉक्टर प्रवीण, और मैंने लॉकडाउन में पिछले साल कविता लिखी थी कोरोना वायरस के लिए, और कोरोना वायरस से बचने के लिए मैंने सेकेंड एक कविता लिखी है जिसको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। तो लाइन है, प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट कोरोना, प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट कोरोना। अब किसी को नहीं खोना, कोई नहीं चाहता किसी का साथ छूटे, कोई नहीं चाहता किसी का साथ छूटे। सोच कर देखो तो दिमाग फट जाता है, सोच कर देखो तो दिमाग फट जाता है। ज़िंदगी बस एक जीरो होकर रह गई, रोज़ रोज़ की खबरें देखकर भावविहीन हो गया। भगवान से दुआ मांगता हूँ कि प्लीज़ लोगों के दुखों को दूर करो, भगवान से दुआ मांगता हूँ कि प्लीज़ लोगों के दुखों को दूर करो। सोशल डिस्टेंसिंग, डबल मास्क का उपयोग करो ना, अब किसी को नहीं खोना, प्लीज़ स्टॉप दिस बुलशिट कोरोना। आगे की लाइन देखिए, क्या होगा जब दुनिया आधी रह जाएगी, क्या होगा जब दुनिया आधी रह जाएगी। पॉल्यूशन, डिजीजेज, भुखमरी, गरीबी, सभी पांव पसारे खड़े हैं। पॉल्यूशन, डिजीजेज, भुखमरी, गरीबी, सभी पांव पसारे खड़े हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं, लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे हैं। आने वाले समय में क्या ऐसे ही पड़ेगा जीना, आने वाले समय में क्या ऐसे ही पड़ेगा जीना। अब किसी का साथ मत खोना, प्लीज स्टॉप दिस बुलशिट कोरोना। तो यही मैं चाहता हूँ कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और मास्क, डबल मास्क जरूर पहनें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं। तो कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा, इसी मुहिम के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और नए वीडियो देखने के लिए बेल बटन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, माई डेंटल प्रॉब्लम्स, लेसन टॉपिक्स। थैंक यू एवरी वन फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद।